हेलो दोस्तों, इंग्लिश वेबसाइट का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डालमेशियन डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डालमेशियन डॉग्स की हिस्ट्री की बात करें तो इनका ओरिजिन क्रोएशिया से है, जिसे कि पहले डालमेशिया के नाम से जाना जाता था, और इसी जगह से इन डॉग्स का नाम पड़ा डालमेशियन। इन्हें एज अ कोचिंग डॉग ब्रेड किया गया, जिसमें ये डॉग हॉर्स कैरिज यानी घोड़ा गाड़ी के साथ दौड़ते हैं, और इन डॉग्स को कैरिज के साथ दौड़ते दौड़ते घोड़े और कैरिज को गार्ड करना पड़ता था स्ट्रे डॉग्स से। अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा डालमेशियन डॉग ब्रीड को सन 1888 में रिकॉग्निशन मिली और सन 1905 में डालमेशियन क्लब ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई। डालमेशियन डॉग्स काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है, जिस वजह से इन्हें कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंग्लिश कूच डॉग, डैल, कैरिज डॉग और फायर हाउस डॉग। डालमेशियन डॉग ब्रीड्स ऑल पर्पज डॉग होते हैं। ये डॉग्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, जो कि इन्हें काफ़ी अच्छा स्पोर्टिंग डॉग बनाता है, और आप इन्हें पक्षियों के शिकार में, हाउंड्स और जंगली सुअरों के शिकार में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की पसंदीदा डॉग ब्रीड थी डालमेशियन। उनके पास मैडम मूस नाम की डालमेशियन डॉग थी। डालमेशियन डॉग्स के ऊपर काफ़ी मूवीज बनी, जिससे कि ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। लेकिन पॉपुलर होने के साथ साथ इन डॉग्स की मांग भी बढ़ गई मार्केट में, और इसी वजह से इन डॉग्स को ओवर ब्रीड किया गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इन डॉग्स को ब्रीड किया गया। और जो आज हम डालमेशियन डॉग्स अपने आसपास देखते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। डालमेशियन डॉग जन्म के वक्त प्योर वाइट होते हैं, और जब डालमेशियन पपीस 10 से 14 दिन के हो जाते हैं, तब इनके काले धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हर डालमेशियन डॉग अलग होता है, मतलब इनके बॉडी पे जो काले धब्बे होते हैं वो हर डॉग में अलग होते हैं, और इनके ये धब्बे इनकी बॉडी पे हर जगह होते हैं, यहाँ तक कि इनके माउथ में भी। अमेरिका के डालमेशियन क्लब के अकॉर्डिंग लगभग 12% डालमेशियन बहरे होते हैं, और कई डालमेशियन डॉग्स सिर्फ एक ही कान से सुन सकते हैं। डालमेशियन डॉग्स मीडियम साइज के होते हैं, और इन डॉग्स के हाइट और वेट की बात करें तो इनमें मेल डॉग्स की एवरेज हाइट 22 से 24 इंचेस होती है, और वहीं फीमेल्स में 20 से 22 इंचेस होती है। इन डॉग्स का एवरेज वेट 20 से 30 किलो होता है। डालमेशियन डॉग्स के टेम्परामेंट की बात करें तो ये डॉग्स अलर्ट, एनर्जेटिक, प्लेफुल, फ्रेंडली, लॉयल और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये डॉग्स ज़्यादा बात भी नहीं करते। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए डालमेशियन डॉग ब्रीड अच्छी रहती है, और बच्चों के साथ भी ये ब्रीड अच्छे से रहती है। डालमेशियन डॉग्स का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 16 साल का होता है, और इनका एवरेज लिटर साइज 8 से 15 पपीज का होता है, और इंडिया में डालमेशियन पपीज का एवरेज प्राइस 8,000 से 12,000 रुपये है। डालमेशियन डॉग ब्रीड्स दो कोट कलर में अवेलेबल होते हैं, वाइट बॉडी के साथ ब्लैक स्पॉट्स और वाइट बॉडी के साथ येलोइश या लिवर स्पॉट्स। ये डॉग शॉर्ट कोट में मिलते हैं, और इनकी ग्रूमिंग नीड्स भी ज़्यादा नहीं होती। डालमेशियन डॉग ब्रीड मोस्ट पॉपुलर डॉग्स की रैंकिंग में 62 रैंक पे है। डालमेशियन डॉग्स अपार्टमेंट फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, मगर इनकी एक्सरसाइज नीड्स को पूरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डॉग्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने बात की डालमेशियन डॉग ब्रीड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग डॉग फैक्ट्स वीडियोस के लिए। धन्यवाद।